मुश्किल दौर में भी मुस्कुराने की और खुश रहने की आपके अंदर जो एक सलाहियत है। अगर मेंटली तुमने सोच लिया कुछ करना है तो यस यू कैन डू इट। लोग बहुत ज्यादा टूट जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। अगर कोई आपको तकलीफ पहुंचाता है तो आप उसको माफ कर देती हैं। पास्ट लाइफ में कुछ होता है किसी ना किसी के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक सुपरस्टार हैं। मैं इंटरेस्टिंग हूँ, मैं एंटरटेनिंग हूँ। डांसर नहीं, मेरे को इंस्पायर करना है लोगों को। मुझे फेमस नहीं होना, मैं फेमस हूँ, राइट? आई लव वो वाली शहनाज एंड दिस वाली शहनाज ऑल्सो। तो ये है मेरा गाइज, दिस इज शहनाज कौरगिल। तो आप मेरे को सुन रहे और देख रहे हो कनेक्ट 91.5 विद फरीदुन। आज मेरी बहुत खुशकिस्मती है, मेरे साथ में है शहनाज गिल कनेक्ट 91.5 एफएम पे। बहुत बहुत स्वागत आपका कनेक्ट पर शहनाज। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली आपसे मुलाकात हो रही है। वर्चुअली मैं आपसे बहुत बार मिला हूँ। इट्स ग्रेट टू सी यू फर्स्ट ऑफ ऑल। बस वो कनेक्ट की बात आई ना तो कनेक्शन बन जाते हैं। जी बिल्कुल। और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि दैट मुझे आपकी जो आपकी हिम्मत है मुझे बहुत इंस्पिरेशनल लगती है। जिस तरीके से आपके अंदर मुश्किल दौर में भी मुस्कुराने की और खुश रहने की आपके अंदर जो एक सलाहियत है, आई रियली फाइंड दैट वेरी इंस्पायरिंग। ये कहाँ से आती है आपके अंदर? ये मेरे अंदर शुरू से ही है। I'm prepared for everything. Like अभी आगे मेरे आगे जाके भी मेरा अगर काम रुकता है, मतलब जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रही हूँ, लोग बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि मतलब क्यों ऐसे क्यों हो रहा है। मैंने देखा मैं मेरी लाइफ में मेरे से काम अगर जाएगा, आगे छूट जाएगा तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। आई एम प्रिपेयर, इट्स ओके। इतनी देरी था तो ये चीज़। हाँ, ये बहुत दिलचस्प मुझे आपकी बात लगती है कि जो आप जिस तरीके से आपने मुझे एक इंटरव्यू में आपने मुझसे कहा था कि आप माफ़ कर देती हैं, अगर कोई आपको तकलीफ पहुंचाता है तो आप उसको माफ़ कर देती हैं और आपको लगता है कि उसमें भी शायद कोई वजह होगी। तो ये इतनी सारी ये जो विजडम है, समझदारी है आपकी, इतनी कम उम्र में आप में आई कहाँ से? क्योंकि मुझे लगता है लोगों के अपने अपने एक्सपीरियंस है लाइफ के। कोई किसी तरीके से रिएक्ट करता है, कोई किसी तरीके से रिएक्ट करता है, राइट? आपका एक्सपीरियंस अलग है, मेरा एक्सपीरियंस अलग है, तो आई विल नॉट जज यू, आई विल एनालाइज यू एंड यस ओके राइट। इनके साथ कुछ पास्ट में कुछ अलग हुआ है, दैट्स व्हाई दे आर रिएक्टिंग लाइक दिस, इट्स ओके, आई विल अंडरस्टैंड देम एंड यस आई विल लाइक कंटिन्यू एंड टॉक टू देम एंड कंसोल देम एंड यस आई विल ट्राई टू चेंज देम, लाइक आई एम लाइक दिस। So I don't judge people, चाहे वो गुस्से में आते हैं, चाहे वो कैसा भी बिहेव करते हैं लोग, तो इट्स ओके। पास्ट लाइफ में कुछ होता है किसी ना किसी के साथ, सबके साथ होता है। सो आई थिंक मैं ऐसे सोचती हूँ। और बोरिंग पीपल आपको अच्छे नहीं लगते? बोरिंग पीपल ठीक है, मैं इंटरेस्टिंग हूँ, मैं एंटरटेनिंग हूँ, तो मैं खुद बहुत इंटरेस्टिंग हूँ और एंटरटेनिंग हूँ, और मुझे नहीं लगता के बोरिंग पीपल जो है, मैं उनको भी थोड़ा वो कर देती हूँ कि वो मेरे रंग में रंग जाए। ऐसी बिग बॉस के आपकी वीडियोस आते हैं और ये आई थिंक इतनी हैरत में डाल देती हैं चीज़ें कि जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, कि आप जो बिग बॉस में जिस तरीके से थी और जैसे इस वक्त आप हैं, ये आई थिंक ये गैर मामूली है। और उसके लिए जिस तरीके का डिसिप्लिन लगा होगा, वो आई थिंक वो भी अपने आप में एक इंस्पिरेशनल है। आपको कब लगा कि दैट मे बी दिस इज़ समथिंग दैट यू वुड वॉन्ट टू डू? मुझे जब मैं बिग बॉस से बाहर आई थी, मुझे तभी लगा कि मुझे थोड़ा अभी चेंज करना चाहिए। बिकॉज सी बॉडी लाइक ये तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहो तो, ये मेंटल गेम है। अगर मेंटली तुमने सोच लिया कुछ करना है तो यस यू कैन डू इट। अगर तुम मेंटली नहीं प्रिपेयर किसी चीज़ को लेकर, तो आई थिंक तुम्हारी बॉडी कुछ भी नहीं करेगी, तुम्हारा साथ ही नहीं देगी। सो मैंने मेंटली सोच लिया था कि अब मुझे फोकस करना है और मुझे अब स्लिम ट्रिम होना है। तो मेरा हाँ है, हाँ मे बी मैं कल को मोटी हो सकती हूँ, मैं अपने ऊपर नहीं ध्यान दूंगी, तो इट्स ओके। आई लव वो वाली शहनाज एंड दिस वाली शहनाज ऑल्सो, डिपेंड्स ऑन मी एंड डिपेंड्स के मुझे कितनी देर इस शेप में रहना है। सो आई एम हैप्पी उस शेप में भी। तो क्या आप करती हैं आप इन टर्म्स ऑफ डाइट, क्या करती हैं एक्सरसाइज के लेवल पे, क्या करती हैं आप? डाइट मैं आई थिंक योगा करती हूँ मैं घर पे, एंड योग इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। अगर तुमने फिट रहना है
तो जिम तो मेरे से होगी नहीं, तो मैं इसलिए जिम नहीं करती। योगा से तुम मेडिटेशन योग भी कर सकते हो, और तुम दो लाइक एंड दूसरा तुम्हारी एक्सरसाइज भी अच्छी हो जाती है। मैं डाइट ट्राई करती हूँ, अभी तो बारिश है तो मेरे को भूख बहुत लगती है, मैं तो बिस्किट्स बहुत खाती रहती हूँ, और बट बारिश में मेरा हो जाता है कि मैं खाती हूँ, बट वैसे मैं कंट्रोल करती हूँ कि डाइट यस कंट्रोल करना है, मेरा डाइट का ही है। लाइक आप अगर ज़्यादा खा रहे हो ठीक है, अगर चावल रखे भर भर के अपनी प्लेट में भरोगे पूरे, तो फिर तो मोटे हो गए ना, तो मैं इतने इतने लेती हूँ, इतने इतने टेस्ट के लिए, जो थोड़ी भूख भी लगे तो भूख मार लेती हूँ। नहीं शिनाज तुझे इंडस्ट्री में कुछ करना है, रुक जा। तो ये है मेरा स्मार्ट मैन। अच्छा, ये भी आपका एक बहुत दिलचस्प सा एक पहलू है कि अभी हौसला रखा आपकी फिल्म आई है, और बहुत से लोगों का मानना है कि दैट आपका एक बहुत बड़ा उसमें योगदान है पिक्चर की कामयाबी में। अभी आप कभी कभी दिवाली आप कर रही हैं, लेकिन फिल्मों में बहुत ज़्यादा भाईजान, यस हाँ जी, नाम चेंज हो गया भाईजान, ओके अभी आप भाईजान आप कर रही हैं, बहुत ही आपने कम जैसे फिल्में करी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और म्यूज़िक वीडियोज़ हैं, बिग बॉस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप एक सुपरस्टार हैं कि किसी भी म्यूज़िक वीडियो में अगर आप आ जाएं तो अपने आप से वो म्यूज़िक वीडियो जो है बहुत बहुत वायरल हो जाएगा, पॉपुलर हो जाएगा। किसी भी आप अगर इवेंट में आप चली जाएं तो वहाँ पर मैक्सिमम रील्स जो हैं वो आपके ऊपर बनती हैं, तो आप कैसे देखती हैं सुपरस्टारडम को? देखो मैं आपको सच बताती हूँ, आज एक होता है फेमस होना, फेमस कोई भी हो सकता है, तो मुझे लगता है मैं फेमस हूँ। मुझे ना अभी लोगों को, मेरे को इन्फ्लुएंसर नहीं, मेरे को इंस्पायर करना है लोगों को, तो ये अलग है दोनों में, एक होता है सोशल मीडिया वाले स्टार, एक होता है आर्टिस्ट, तो मुझे आर्टिस्ट बनना है, तो मुझे लोगों को एक्टिंग दिखानी है अपनी, कि आई कैन एक्ट ऑल्सो, कि आई एम नॉट ओनली फेमस, कि देखो ये फेमस अभी देखो लाइक कोई एक्टर उठा लो, निवाजुद्दीन, पंकज त्रिपाठी, दे आर नॉट ट्रेंडिंग एवरी डे, दे आर नॉट ट्रेंडिंग, बट दे आर गुड आर्टिस्ट, एंड हम इरफान खान लाइक दे आर एन आर्टिस्ट, उन्होंने काम किया है, कुछ किया है, कुछ अचीवमेंट है, दे आर लेजेंड। मुझे वो कैटेगरी में आना है, मुझे फेमस नहीं होना, मैं फेमस हूँ राइट, और मैं मीडिया सेशन एंड ऑल ये चीज़ें, ये थोड़ी देर की चीज़ें हैं, ये तुम्हारा लॉन्ग टाइम के लिए तुम्हारे साथ नहीं है। ट्रेंडिंग, ट्रेंड होना रोज ट्विटर पे, दिस इज नॉट लाइक आई डोंट थिंक सो कि ये कूल है। ओके गुड, आई अप्रिशिएट माय फैंस जो मेरे लिए इतना ज़्यादा करते हैं, इतना ज़्यादा करते हैं, बट कितनी देर करेंगे वो भी, वो जब मैं काम नहीं करूँगी कुछ तो फिर वो भी रुक जाएंगे एक पॉइंट पे आके, क्योंकि टैलेंट जो है ना, टैलेंट तुम्हारे साथ लॉन्ग टाइम चलता है, बट ये जो चीज़ें हैं, फेमस होना, रील्स डाल दिए, वो ये थोड़ी देर की चीज़ है, ये यहाँ ही रह जाती है। क्या बात है, या क्या बात है, ओके आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग, आपने जैसे नाम लिया नवाजुद्दीन, पंकज त्रिपाठी, इरफान खान, तो कैसी कैसी फिल्में आप करना चाह रही हैं? पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव, मेरे को लाइक मुझे ना जो फैमिलीज देखे, मुझे वैसे प्रोजेक्ट करने हैं जो फैमिलीज देखे, ओके लाइक कनेक्ट करे लोग मेरे साथ, मुझे वैसे प्रोजेक्ट करने हैं, लाइक रियलिटी, लोगों की रियलिटी पे काम मेरे को उसके लिए, बट अभी बहुत वर्कशॉप एंड मुझे अपने आप पे काम करना है, लाइक मुझे एज ए एक्टर बनना है अगर, तो मुझे आई थिंक वर्कशॉप्स करनी पड़ेगी बहुत, एंड मुझे एक्टिंग में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत सारी, सो आई एम focusing.